फिल्म और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल News99 को। इंदौर में नीमच शहर में 22 साल के लड़के के साथ भागकर आई 5 बच्चों की मां ने नीमच के एक होटल में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। साथ ही प्रेमी लड़के ने भी जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान बच गई। प्रेमी हॉस्पिटल में एडमिट है, वहीं पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आत्महत्या क्यों की इस बारे में पता नहीं चला। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला रावत भाटा की रहने वाली है। महिला के 5 बच्चे हैं, जिसमें एक लड़के की पिछले 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। महिला का पति उसके साथ मारपीट करता था, जिससे वो परेशान थी। इसी दौरान महिला को रावत भाटा के फल का ठेला लगाने वाले 22 वर्षीय लड़के से प्यार हो गया। प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों रावत भाटा से भागकर नीमच आ गए। घायल प्रेमी ने बताया कि दोनों ने बस स्टैंड स्थित एक होटल में कमरा लिया था। सोमवार की दोपहर उसकी प्रेमिका ने कचौरी खाने की जिद की। वो महिला के लिए कचौरी लेने बाहर चला गया। वापस आया तो देखा कि महिला के हाथ में जहर की डिब्बी थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। प्रेमिका के हाथ से उसने जहर लेकर खुद भी खा लिया। आसपास के लोग आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे और दोनों के अस्पताल लेकर गए, लेकिन महिला ने रास्ते में दम तोड़ दिया। सूत्रों के हवाले से महिला ने बदनामी के डर से आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने महिला के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। न्यूज रूम से News99 की रिपोर्ट। फिल्म और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल News99 को।